घर में जब कॉकरोचेस ज़्यादा हो जाएं तो यूजली हम तीन में से एक अप्रोच अपनाते हैं। नॉर्मल कॉकरोच रिपेलेंट से वक्फे वक्फे से छिड़काव करते रहते हैं, या फिर एक साथ अच्छे से घर की सफाई के बाद ढेर सारा स्प्रे करके घर बंद करके एक दो दिन के लिए कहीं चले जाते हैं, या फिर प्रोफेशनल सर्विसेज को कॉन्टैक्ट करते हैं जो स्पेशल फ्यूमिगेशन और जेलिंग के जरिए कॉकरोचेस को कंट्रोल करते हैं। लेकिन उसके बावजूद भी कॉकरोचेस नहीं जाते। लेकिन बात सिर्फ यहीं पर नहीं रुकती, ये कॉकरोचेस का ना मरना मुसलसल बढ़ता ही जा रहा है। आज से सिर्फ कुछ ही अरसा पहले, मैं बात कर रहा हूँ 20 से 30 साल पहले तक, लाल बेगों का घर से सफाया करना कदरे आसान था, जिससे घर में फर्क भी पड़ता था और इनकी फिर से ग्रोथ अच्छी खासी लेट होती थी। लेकिन अब तो कुछ घरों में ये हालत है कि दो दिन नहीं लगते मुकम्मल स्प्रे के बाद लाल बेग हमें फिर से दिखना शुरू कर देते हैं। ऐसा क्यों है, ये क्यों नहीं मर रहा है, जबकि इनको मारने की दवाइयाँ बेहतर हो रही हैं? ज़्यादा बेहतर केमिकल के साथ भी लाल बेग हमारे घर क्यों नहीं छोड़ रहे, आज जानेंगे। दिस इज़ गौहर अली रिज़वी एंड यू आर ऑन माई चैनल। रिसेंटली एक स्टडी में जो कि 6 महीने तक चली कॉकरोचेस पर, जिसको साइंटिफिक रिपोर्ट्स में पब्लिश भी किया गया, इस स्टडी के दौरान 3 अलग अलग तरह के प्रोफेशनल ग्रेड पेस्टिसाइड्स का इस्तेमाल किया गया। कहने का मकसद यह है कि 3 अलग अलग केमिकल स्प्रेज वगैरह का इस्तेमाल किया गया 3 अलग अलग तरह के कॉकरोचेस पर। मकसद ये था कि पता लगाएं कि कौन सा केमिकल ज़्यादा अच्छे से लाल बेगों का सफाया करता है। लेकिन 6 महीने की स्टडी के बाद जो पता लगा वो बहुत ही अजीब था। प्लान ये था कि 3 अलग अलग तरह के स्प्रेज एंड जेल्स लेंगे और फिर उन्हें 3 अलग अलग बिल्डिंग्स में स्ट्रेटजिकली स्प्रे करेंगे। पहली बिल्डिंग में उन्होंने सिर्फ जेलिंग लगाई। ये जेल यूजली मार्केट में अवेलेबल होते हैं और इन्हें बिल्डिंग में जहाँ जहाँ कॉकरोचेज होने के साइन मिले वहाँ जेलिंग की गई। दूसरी बिल्डिंग में बाजार में मिलने वाले स्प्रेज को मिक्स करके लगाया गया हर महीने 6 महीने तक। फॉर एग्जाम्पल, अगर बाजार में 3 अलग अलग कंपनीज के स्प्रे थे तो उन्होंने तीनों स्प्रे हर महीने किए, यानी तीनों केमिकल का एक तरह से मिक्सचर इस्तेमाल किया। और तीसरी बिल्डिंग में उन्होंने वही तीनों स्प्रेज रोटेट किए, मतलब कि पहले महीने स्प्रे नंबर 1, दूसरे महीने स्प्रे नंबर 2 और तीसरे महीने स्प्रे नंबर 3, और फिर ये प्रोसेस 6 महीने तक रिपीट किया गया। और फिर 6 महीने के बाद इन तीनों बिल्डिंग्स को ग्लू ट्रैप के जरिए से चेक किया गया। ग्लू ट्रैप एक पेपर शीट पर ग्लू लगाकर रख दिया जाता है, जिसके बीच में कॉकरोचेस के लिए खाने पीने का कुछ सामान होता है। कॉकरोचेस वो खाने के लिए आते हैं और उस ग्लू में फंस जाते हैं। एनीवेज, 6 महीने के बाद रिजल्ट्स कुछ ऐसे थे। जिस बिल्डिंग में जेलिंग की गई वहाँ कॉकरोचेस की तादाद कम हुई, जिस बिल्डिंग में मिक्स स्प्रे किए गए यानी हर महीने तीनों स्प्रे हुए वहाँ कॉकरोचेस की तादाद बढ़ गई और बेहतर हुई, और जिस बिल्डिंग में हर महीने एक केमिकल यूज़ किया गया उसमें कॉकरोचेस की तादाद वैसे ही रही जैसे कि पहले थी। ऐसा क्यों हुआ? रिसर्चर्स ने उन बिल्डिंग से कॉकरोचेस को जमा किया और लैब में टेस्ट किया तो उन्हें अंदाजा हुआ कि कॉकरोचेस ने अपने आप को जेनेटिकली मॉडिफाई करके इन केमिकल्स के अगेंस्ट रेजिस्टेंस बना ली थी, यानी अब वो इन केमिकल्स से लड़ रहे थे और ये केमिकल्स अब इन पर असर भी नहीं कर रहे थे। स्पेशली जब हर महीने 3 अलग अलग केमिकल्स का छिड़काव हुआ तो हर केमिकल की कम मिकदार की वजह से कॉकरोचेस के लिए इनके खिलाफ रेजिस्टेंस बनाना और भी ज्यादा आसान हुआ। इससे एक ही टाइप के कॉकरोचेस अलग अलग केमिकल के खिलाफ कुव्वत मुताबिक रखता था, और ये बहुत ही अजीब बात थी क्योंकि समझा जाता था कि कॉकरोचेस सिर्फ एक वक्त में एक ही केमिकल के अगेंस्ट रेजिस्टेंस रखता है, यानी अगर एक कॉकरोच एक पर्टिकुलर केमिकल से नहीं मर रहा तो दूसरे केमिकल से मर जाता था। लेकिन एक ही वक्त में 3 अलग अलग केमिकल से रेजिस्टेंस का मतलब ये था कि मुस्तकबिल में इन कॉकरोचेस को मारना तकरीबन नामुमकिन ही हो जाएगा, क्योंकि ये हर न्यू और पुराने केमिकल्स के खिलाफ रेजिस्टेंस पैदा कर लेंगे। ये है एवोल्यूशन। हमें कॉकरोचेस में इतनी तेजी से होता हुआ दिख रहा है कि एक ही स्पीशी कितनी तेजी से अपने आप को मॉडिफाई करके अपने आप को अमर बनाने के और करीब ले जा सकती है। रिसर्चर्स ने कंक्लूड किया कि इस तरह के बिहेवियर की वजह से बहुत ही जल्द कॉकरोचेस को सिर्फ केमिकल से मारना नामुमकिन हो जाएगा, जिसका मतलब यह है कि मुस्तकबिल में कॉकरोचेस को मारने के लिए फिजिकली उस जगह की सफाई मुसलसल पाबंदी के साथ न्यू केमिकल्स पाबंदी के साथ जेलिंग वगैरह की ज़रूरत पड़ेगी, और शायद सबसे ज़्यादा इफ़ेक्टिव तरीक़ाकार घर की पाबंदी से सफाई हो।
इस रिसर्च से ये मतलब बिल्कुल भी नहीं निकाला जा सकता कि जेलिंग ही सबसे बेहतर तरीकाकार है कॉकरोचेस को खत्म करने का। जैसे मैंने बताया कि कॉकरोचेस अपने आप को मॉडिफाई कर रहे हैं और ये पॉसिबल है कि वो जेल के अगेंस्ट भी रेजिस्टेंट हो जाएं। एंड दैट्स इट। होप कि आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो। लेट मी नो कि आपको मेरी वीडियो कैसी लगी। अगर आप ऐसे ही और वीडियोस देखना चाहते हैं तो मेरे चैनल पर भर कर ऐसा कंटेंट मौजूद है, सो प्लीज़ फॉलो मी। अगर आप मेरी पर्सनल लाइफ को फॉलो करना चाहते हैं तो मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो करें gohar.rizvi। यूट्यूब पर मुझे ज़रूर सब्सक्राइब करें www.youtube.com/mychannelvideo। एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।